हेलो दोस्तों, द टेक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि टीपी लिंक के राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास एक राउटर है टीपी लिंक का, ये वाला जिसका हम आज फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे। दोस्तों, किसी भी ब्रांड का राउटर हो उसका फर्मवेयर अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी अपने राउटर को अपग्रेड नहीं किए हैं तो उसका फर्मवेयर अपग्रेड कर दें। तो दोस्तों, अगर आपका राउटर भी स्लो चलता है और आपके राउटर में भी ऐसा लिखा हुआ आता है कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, तो यहाँ आपके राउटर का फर्मवेयर अपग्रेड करना ज़रूरी है। वीडियो आपके लिए है, इसे स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं द टेक इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं टीपी लिंक के वेब पेज में। जैसे कि आप देख रहे हैं, टीपी लिंक का सारे राउटर का वेब पेज ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि इसके वेब पेज में कैसे एक्सेस करें और इसका राउटर का आईपी कैसे पता करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा फर्मवेयर वर्जन और ये है मेरा मॉडल नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट राउटर, ये है मेरा हार्डवेयर वर्जन। में केसेस में ऐसा नहीं होता है कि आपका फर्मवेयर वर्जन और हार्डवेयर वर्जन यहीं पे भी हो। तो मेरे केसेस में यहाँ दिखा रहा है जो मेरे राउटर का मॉडल है, इसका जो वेब पेज है कुछ और है, तो यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। तो सिंपली अगर यहाँ आपको इसका हार्डवेयर वर्जन और फर्मवेयर वर्जन नहीं दिखाएगा, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करें सिस्टम टूल्स में और जाएं फर्मवेयर अपग्रेड में। अब जैसे ही यहाँ जाएंगे, देखें आपको यहाँ शो अप कर देगा इसका फर्मवेयर वर्जन और इसका हार्डवेयर वर्जन। तो जब भी आप किसी भी राउटर का फर्मवेयर वर्जन डाउनलोड करें, उसका जो हार्डवेयर वर्जन है उसी के अकॉर्डिंग उसका फर्मवेयर वर्जन डाउनलोड करें। जैसे कि मेरा देख रहे हैं आप V3 है, अगर मैं इसमें V5 वर्जन का फर्मवेयर डाउनलोड करूँगा तो वो सपोर्ट नहीं लेगा। अगर इनके सपोर्ट लिया तो मेरा राउटर का जो सॉफ्टवेयर क्रैश होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप ऑलवेज ट्राई करें कि जो भी आपके राउटर का वर्जन हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फर्मवेयर वर्जन डाउनलोड करें। तो अभी हम चलेंगे गूगल में और देखेंगे इसका वर्जन अपडेट हुआ है या नहीं। हम चले जाते हैं गूगल में और यहाँ सर्च करते हैं टीपी लिंक फर्मवेयर वर्जन अपग्रेड। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक किया हूँ, यहाँ एक साइट ओपन हो गया है, जो फर्स्ट वाला साइट है tplink.com का। हम यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये टीपी लिंक का जो वेब पेज है ये ओपन हो जाएगा और हम सिंपली जाएंगे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएगा डाउनलोड सेंटर। हम यहाँ जैसे क्लिक करेंगे एक नया साइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा मॉडल नंबर। तो हमारा जो राउटर का मॉडल नंबर था, आप देख सकते हैं राउटर का मॉडल नंबर यहाँ पर होता है ऑलवेज, मेरा जो है TLWA90ND है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मॉडल नंबर। सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे TWWA901ND। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा जो राउटर का नंबर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर राउटर का इमेज आ चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज चूज योर हार्ड वर्जन। तो हमारा वर्जन था V3, हम यहाँ क्लिक कर देंगे V3। हम जैसे ही यहाँ V3 क्लिक करेंगे, यहाँ लोड ले लेगा, फिर सिंपली हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड फर्मवेयर में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्मवेयर में क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ भी जो भी अपग्रेड हुआ रहेगा, जिस साल में जिस महीने में अपग्रेड हुआ रहेगा, इसका फर्मवेयर वर्जन लॉन्च हुआ रहेगा, वो सारा आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा देखें पब्लिशड हुआ है 1.5, जो हमारा वर्जन है 1.3 का है, राइट। तो यहाँ पे 1.5 है, तो ये हमारा राउटर का लेटेस्ट वर्जन है। हम यहाँ सिंपली यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे ये क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, ओके ना। तो इसका भी हमें कुछ काम नहीं है, हम यहाँ इसे कट कर देंगे। सिंपली हम जाएंगे डाउनलोड में, जहाँ हमारा डाउनलोड हुआ है फाइल, देखें ये है हमारा फाइल जो अभी डाउनलोड हुआ है, इसे हम क्लिक करके यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अभी सिंपली हम इसे कट कर देंगे और यहाँ जाएंगे फाइल चूज में। हम यहाँ जैसे ही फाइल चूज में जाएंगे, ये डायरेक्ट हमें वहाँ ले जाएगा। हमें इसे डबल क्लिक कर देना है और इसे टिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है। हम जैसे ही यहाँ ओपन करेंगे, हमारा फाइल यहाँ लोडिंग ले लेगा। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर 1.3 था, अभी ये 1.5 हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ अपग्रेड मार देंगे। जैसे ही अपग्रेड करेंगे, यहाँ हमें लिखेगा आर यू श्योर वांट टू अपग्रेड फर्मवेयर वर्जन, हमें यहाँ ओके करना है लेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ फर्मवेयर अपग्रेड होने लगा है, ये प्रोसेसिंग में है और यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज वेट अंटिल सिस्टम रोबोट।
आपको वेट करना है, 1 मिनट 2 मिनट्स में ये अपग्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा 100 हो चुका है। फिर से यहाँ पर वो टाइम लेगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड सक्सेसफुल के लिए, यहाँ पर थोड़ा से वो टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अभी अपग्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह सॉफ्टवेयर अपग्रेड सक्सेसफुल लिखा आ रहा था। और फिर से हम इसमें लॉग इन कर देंगे, एडमिन एडमिन जो मेरा डिफॉल्ट था, हम यहाँ लॉग इन कर लेंगे। और आप देखेंगे मेरा यहाँ फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है, पहले 1.3 था, अभी ये 1.5 हो चुका है। तो आप कोशिश करें जब भी फर्मवेयर अपग्रेड करें वायरलेसली ना करें, वायरलेसली जब आप इसका फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल आएगा और एरियर भी आएगा, अपग्रेड नहीं लेगा। तो आप कोशिश करें कि हमेशा इसको लैन केबल के साथ ही करें। अगर आपको पता नहीं है कि लैन केबल के साथ आप इसे कैसे करें, आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके लिए लैन केबल के साथ एक कम्प्लीट वीडियो बना लूँगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए राउटर के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक का वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा।